जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक टैकारा नाम का मिलेगा जो कि हमारी आइकॉन है। इसको हम खोलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स आपको टैग्स दिख रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा ऐप बनाना है तो देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको एक स्क्रीन पे एक ऐप दिख रहा होगा जिससे कि आप एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं, जो आप ध्यान से देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको जैसे कि आपको कोई भी ऐप बनाना है तो उसके लिए आपको बेसिक्स जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें कोडिंग्स वगैरह पड़ती हैं, पर इस ऐप में कोई कोडिंग्स नहीं होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा वहाँ पर नाम डालने का। आपने आपका नाम डालिए, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे आप डालते हैं कैटेगरी डालना चाहते हैं, पहले आप नाम डाल देते हैं, अब कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं, एंटर फुल नेम कर देते हैं, आपको जो भी नाम डालना है। मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी। डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हैं इसका, इसको काट सकते हैं, इसको पूरा भी काट सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट करते हैं। आप यहाँ पे आपको इस जो बार दिख रहा है, जो आपका टाइटल बार होगा, उसके लिए कलर सेलेक्ट करना है। मैं अभी पर्पल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये बेटर लग रहा है। डार्क कलर, ब्राइट कलर आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप बैकग्राउंड के लिए, इससे इसमें बैकग्राउंड के लिए, ये आपके मोबाइल के आइकॉन, आपके ऐप के आइकॉन के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ से आप क्लिक करके चूज़ एक्स, और यहाँ पे आप गैलरी से या फिर जहाँ पे आपके फ़ोटोज़ हैं वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आपके आएंगे मेन्यूज़, जो मेन्यू बार होंगे वो आप यहाँ पे आएंगे। जैसे कि मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये क्लासी है जो मेरी आपको मैंने देखा था वो भी इसमें ही था, देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे सिंपली डाल रखा था, उसमें आप कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ चाहिए सेंटर में, तो आप सेंटर में सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने अपना चैनल का बनाया था, तो इसमें आपको, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। जैसे एक्सटर्नल एडिशन डाला था मैंने, फिर यहाँ पे जाके मैंने वेबसाइट वाला डाला था, यहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब की वेबसाइट का URL डाल दिया था, जस्ट पेस्ट कर दिया था मैंने, बस ऐसे ही होता है। और मैंने नेक्स्ट कर दिया था। ऐसे ही आप आपके मन के कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप आराम से कोई भी यहाँ पे आपको चाहे तो इमेज, चाहे तो लिस्ट, चाहे तो जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम पीछे। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा चलने के लिए। इसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे जाके पब्लिश और प्रीव्यू करना है। पब्लिश करने के लिए आपको पैसे लगेंगे, पर प्रीव्यू करने के आपको पैसे नहीं लगेंगे। ओके, जस्ट अभी हमने कुछ बनाया नहीं है इसमें, इसलिए इसमें कुछ हो नहीं रहा है। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपके बन जाएगा तो आपका यहाँ पे कैसा आ जाएगा, मैं ऐसे बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको वो ऐप बना आ जाएगा। जैसे कि मेरा कोई भी ऐप है, जैसे मेरा ये ऐप है, इसको मैं जस्ट व्यू ऐप करता हूँ। आप कोई भी क्रोम, मैं प्रेफर करूँगा कि आप क्रोम यूज़ कीजिए। जैसे आप क्रोम यूज़ करेंगे आपको ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में आने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल का दिख रहा होगा। आप जैसे इंस्टॉल में क्लिक करेंगे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बता देगा ये, कि आपको सबसे पहले थ्री डॉट्स पे जाना है, इसके बाद आपको ओपन टेक आर आर डालना है, सॉरी ऐड, इसमें आ रहा है ऐड टू होम स्क्रीन, तो ये अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा होम स्क्रीन के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं ऐड टू होम स्क्रीन, ओपन टेक आर आर कर देते हैं पहले। देखिए आप, मैंने क्योंकि मैंने पहले से ही होम पेज पे सेव कर रखा है, इसलिए इसमें डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट टेक आर आर को सीधा होम पेज पे मैंने सेव कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप सेव कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक ऐसा आइकॉन जैसा बना आ जाएगा आपके इसमें, और आप यहाँ से अपना ऐप ओपन कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कि कैसे हम बनाते हैं। आप सिंपली इसने ऐप को बना दिया। यहाँ पे आपका APK आ चुका है, यहाँ पे आपका वो आ चुका है ऐप का आइकॉन। यहाँ से आप सिंपली खोल के अपना ऐप देख सकते हैं।
थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।